अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक मर्तबा फिर से जनाब मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जिसे हम नूरानी क्रॉस कहते हैं ना। नूरानी क्रॉस से मुराद अजीम होटल है ये, और ये स्टॉप है, यहाँ से नूरानी का रास्ता जाता है सामने, वो भी खैर मैं आपको दिखाता हूँ, जूम करके रुक जाए। तो ये जो सड़क है देखें, बड़ी फेमस सड़क है ना, बड़ी ज़बरदस्त सड़क है, और आपको ये भी पता है कि सीन भी बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह, हमेशा की तरह आप सीन चेक करें खुदा की कसम, और इधर मंज़र चेक करें, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और आज भी प्रोग्राम है बारिश का, कंटिन्यूस बारिश हो रही है। ये सड़क कौन सी है? मशहूर है ज़माना सड़क, विंदर से आ रही है, और एक ही सड़क है। देखें यहाँ पर दाएं बाएं सड़कें नहीं होती, एक ही सड़क जाएगी बीच में, और एक ही सड़क जा रही है, और ये सारे पॉइंट्स को कवर करती हुई आगे पीर भुक्कर, वहाँ पर भी मैं आपको ले जा चुका हूँ, उससे आगे जो है वो टुपको तक जाती है, खैर जाती तो उससे भी आगे। तो जी आपका भाई जो है मौजूद है माशाल्लाह से यहाँ पर, और यहाँ का मंज़र चेक करें खुदा की कसम। मैं अभी इसका ड्रोन व्यू भी ऐड करता हूँ। सफ़र हमने यहाँ से शुरू करना है आज, और जाना है टुपको कनराज, ठीक है जी। यहाँ से तकरीबन जो है वो बनता है 50 किलोमीटर, जो लोगों का बताना, बकिया जाएंगे तो पता चलेगा, मैं मीटर को ज़ीरो कर दूंगा, वहाँ पहुँच करके देखेंगे कि कितना बनता है सफ़र। तो यहाँ पर जो है, जब तक आपको पता है मैंने क्या करना है, मेरा ख्याल है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको पता है रिफ़्रेश होना है जी, अपने आप के थोड़ा सा सीधा करना है, यहाँ पर अपनी मैं तैयारी करूँगा, फिर जो है यहाँ से इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ टुपको कनराज जिसे कहते हैं। वहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त एक चश्मा है, वाटरफॉल बनी हुई है, वहाँ पर चलते हैं इंशाल्लाह ताला, वहाँ के आपको आज मंज़र दिखाते हैं। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पीर भुक्कर को भी क्रॉस कर दिया है, और उसके बाद एक ब्रिज आता है, बड़ा ही ज़बरदस्त ब्रिज है, और यहाँ से यकीन कीजिए ये जो सामने पहाड़ों का सीन बनता है ना, मैं आपको क्या बयान करूँ, बिलीव कर लीजिए। माशाल्लाह से बादल देखें, बिल्कुल पहाड़ों को टच कर रहे हैं, और बादल जो है ना बहुत नीचे आते हैं, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, मज़ीद सीन भी इंशाल्लाह ताला दिखाऊँगा। बड़ा ही ज़बरदस्त मंज़र, आप बिलीव कीजिए, ये देखें पहाड़ों को बिल्कुल, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, चीरते हुए बादल जा रहे हैं माशाल्लाह से। और अभी जो ये दिन चल रहे हैं ना, आप बिलीव कर लीजिए, मेरा ख्याल है ये महीना भी बारिश का सीज़न चल रहा है, और विज़िट करने के लिए आइडियल महीना, बिलीव करें आपको। एक तो मौसम बड़ा ठंडा है माशाल्लाह, हर वक्त बादल, सूरज है ही नहीं, सूरज बिल्कुल गायब है, और माहौल आपको यही मिलेगा जिसे वो हम कहते हैं ना कश्मीर का माहौल, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह।
जहाँ से भी देखें मुझे लग रहा है ना कि यहाँ से मंजर अच्छा नज़र आ रहा है इन पहाड़ों का। आप बिलीव कीजिए मैं वहीं पर रुक के आप लोगों के लिए जो है सीन कैप्चर करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीन कीजिए आप चेक करें, सुभान अल्लाह। यकीन यहाँ पे असल में थोड़ी सी सड़क है ना और हाइट पर है, और ये फिर जो पूरी वादी है बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खैरियत से? ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी व्यूज से पहले भी खैर दिखाता हूँ, अभी भी आप इधर मंजर देखें माशाल्लाह। तो यहाँ का जो मुकामी मतलब यहाँ के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका जरिया मुआश जो है ना वो ये भी है। देखें माल मवेशी भेड़ बकरियाँ माशाल्लाह से ये लोग ले कर निकलते हैं, और अल्लाह ने भी बड़ी रहमत की के बारिश हुई और सब तरफ सब्जा ही सब्जा है। यकीन कीजिए इस माल मवेशी के लिए चारा जो है अल्लाह पाक ने फराम कर दिया, और अब ये 3-4 महीने चलेगा ना घास ये हरा जो है माशाल्लाह जबरदस्त। मैंने कहा आपको ये सीन भी दिखाऊं। अच्छा ये डेली सुबह निकलते हैं और 4-4:30-5 बजे के करीब जो है ना ये वापसी अपने घरों को तरफ जाते हैं, और दिन में ये निकलते हैं पहाड़ों की तरफ माल मवेशियों को लेके उनकी निगरानी करते रहते हैं, और शाम में फिर ये वापस जाते हैं। और सही सब खैरियत है, ठीक ठाक है। अच्छा अभी मेरे को ये बताओ लला कि अभी कितना सफ़र है कनराज का? टुपको जी जी आधा घंटा है। सड़क तो साफ है ना सारे? बिल्कुल क्लियर है, चलो बड़ी मेहरबानी से। और सब खैरियत है? ये जगह कौन सी अभी? ये जुद्दर। कौन सी? जुद्दर। अच्छा अच्छा अच्छा। जो है ना मैं आपको एक ही चीज ये भी बताऊं कि जब देखे माल मवेशी होता है ना तो फिर इस चीज का भी एक फायदा उठाते हैं, खाना पीना अपने साथ लेके चलते हैं। ये देखें ये यहाँ का जो है माशाल्लाह, ये देखें ये खाना पीना साथ, पानी की बोतलें। अच्छा उसको ये ना कवर रखते हैं, कवर इसलिए रखते हैं कि ऊपर इसको ठंडा करते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं, पानी अंदर ठंडा रहता है। फिर उसके बाद ये दूसरा साथ में क्या बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि सारा दिन देखें माशाल्लाह से भेड़ बकरियों के साथ चलते हैं तो इंसान है, भूख भी लगेगा, तो उसका देखें क्या बंदोबस्त करते हैं। ये देखें तो केतली शेतली साथ लेके चलते हैं, बकरियों से ही दूध निकालते हैं, इधर ही चाय बनाते हैं, फिर इधर ही अपनी रोटी पानी करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है सही, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह देखें क्या सीन और क्या नज़ारे। अच्छा देखें इनकी टांगों को जो है ना आप नोट करें, इनकी टांगों को देखें आके रस्सी डालते हैं। अच्छा रस्सी क्यों डालते हैं? इसलिए कि ताकि ये जो एरिया है इनका अपना इलाका है, या जो मतलब घर हैं जो मालिक हैं उस एरिया से, यानी कि ये ज़्यादा दूर ना जा पाए ना, और फिर ताकि जो मालिक हैं जो यहाँ के यानी मुकामी लोग हैं जिनके ये माल मवेशी होते हैं और ऊँट है जिनका, उनको ढूंढने में फिर देखें आसानी होती है, ये ज़्यादा दूर नहीं जाते। फिर इसी तरह एक इधर भी है, वो भी माशाल्लाह से मसरूफ़ अमल है। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त सीन है जी यहाँ का, और ये खासा है माशाल्लाह यहाँ का। मैंने कहा आपको ये भी दिखाऊँ माशाल्लाह। और इन पहाड़ों की यकीन करें इन्हीं से रौनक है।
अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि काफ़ी हद तक मैं नज़दीक आ चुका हूँ। देखें ये सड़क खैर माशाल्लाह से बड़ी ही बेहतरीन बनी है। किसी ज़माने में जब बन रही थी उस वक्त भी खैर मैं आया था, और ये बहुत आगे जा रही है, ये भी कभी खैर मैं बताऊँगा आपको। देखें ये निशानी है जी, ये एरो भी दिया हुआ है, 2 किलोमीटर आगे टिक्को कनराज देखें लिखा हुआ है, और यहाँ से भी नीचे की तरफ उतरना, वो सामने जो है ना वो देखें वहाँ पर है। खैर मैं एक अंदाज़न बता रहा हूँ लेकिन मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। तो अभी चलता हूँ जी आगे बग़ैर वक्त ज़ाया किए, वहाँ तक पहुँचते हैं फिर सारी बातें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं खैर खरीत से अपने आज के पॉइंट पर पहुंच चुका हूं। लेकिन सीन ये है कि बारिश का असल में कुछ मालूम नहीं है, तो नदी में देखें बाइक को मैं नहीं खड़ा कर रहा, मैंने बाइक को देखें ऊपर लगाया है। वैसे तो बाइकें आगे तक भी जा सकती हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आज मैं नहीं लेके जा रहा हूँ इसलिए कि वो पैसेज है पानी का और बड़ा ख़तरनाक है, कभी भी पीछे से पानी आ सकता है। तो यहाँ पर बाइक को देखें खड़ा कर दिया है, ठीक है, इस तरफ से आ रहा हूँ मैं, रास्ता पूरा आपको मैं दिखा चुका हूँ। यहाँ से अभी जो है ना नदी में आगे पैदल चलना बामुश्किल मेरा ख्याल सामने ही है। देखें मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, और यहाँ के भी आप मंजर चेक करें माशाल्लाह, क्योंकि अभी जो बारिशों का सीज़न चल रहा है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें यह कि पानी कंटिन्यूस चलेगा माशाल्लाह। देखें इस तरफ जाना है, वो सामने देखें आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको देखें ऐसे भी दिखा देता हूँ। ये देखें ये जी जगह है, ये पॉइंट है, ठीक है जी, जिसको हम टुपको वाटरफॉल कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैर खरीत से यहाँ तक पहुँच गया हूँ, आगे भी चलता हूँ, वहाँ के भी आपको मंजर सारे माशाल्लाह से चेक कराता हूँ। और यकीन करें जो यहाँ से व्यू बन रहा है ना, क्या बयान करूं मैं आपको, दोनों तरफ देखें पानी चल रहा है। और ये अभी आपको दो ढाई तकरीबन महीने तक ये पानी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो चलता रहेगा, क्योंकि बारिशों का सीज़न है ना। तो चलिए आगे पैदल चलते हैं, फिर वहाँ पहुँच करके आपको वहाँ के मंजर भी मैं चेक करवाता हूँ।
अच्छा जी, सीन ऐसा है कि आपको मालूम है हमेशा की तरह माशाल्लाह से सीन बड़ा ज़बरदस्त है और हमेशा ही सीन बड़ा ज़बरदस्त होता है। देखें, अभी इस तरफ से आ रहा हूँ टुपको से। टुपको इस पहाड़ के पीछे था, यानी कि वहाँ से यूँ रास्ता आ रहा है, तो ये एक नज़दीक होटल है ना। तो मैंने कहा अभी इस होटल पर जो है खाना खाऊँ और थोड़ा सा आपको मैंने कहा यहाँ का माहौल चेक करा दूँ। दुकानें हैं, बाज़ार है और यहाँ पर जो है ना आपको खाना भी मिल जाता है। और ये अंदर का मैंने कहा माहौल चेक करवा दूं। बारिश का इम्कान है, बाइक को मैंने अंदर कर दिया है। ये यहाँ का माहौल है माशाल्लाह से, आप चेक करें। अंदर दुकान भी है और उधर सामने जो है ये देखें महफिल लगी हुई है, महफिल चल रही है माशाल्लाह से। इधर जो है आटा आ गया मेरे लिए, रोटियां तैयार हो रही हैं, खाना बन रहा है। भाई जो है सलाद काट रहा है मेरे लिए, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, सलामत रखे। अभी मैं इधर खाऊंगा जी खाना। खाना खाने के बाद फिर यहां से समझ लीजिए कि मैंने डायरेक्ट वापस जाना है। फिर मैंने कहीं नहीं रुकना, तो इस वजह से मैं यहाँ पर रुका। तो मैंने कहा आपको यहाँ का भी थोड़ा सा बता दूँ। भाई आपका यहाँ बैठेगा माशाल्लाह से, सामने मेरा खाना तैयार हो रहा है। अल्लाह ताला खैर खरियत से जो बकिया मेरा सफ़र है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो भी मैं मुकम्मल करूँगा। तो अभी फिर मैं आपको मिलता हूँ खाने पर। तो भाई का ये खाना आ गया, और भाई जो है आपको पता है बड़ा सादा सा बंदा है, जो मिल जाए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का करम है कि अभी मैं खाना खा रहा हूँ, और यहाँ से जो है अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नई वीडियो में नए मुकाम पर फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।